धन की समस्या अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही, पैसा आता है पर जुड़ नहीं पाता, घर पे बरकत हो नहीं पा रही, जितनी भी मेहनत कर रही हो कहीं ना कहीं वेस्ट में जा रही है, इच्छाएं पूर्ति हो नहीं पा रही, तो कौन से ऐसे जबरदस्त उपाय से हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ, कैसे आप दोस्तों। वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश की आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मनब्लास्टिंग बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों। आज जिस चीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये धनतेरस वाले दिन से हमने शुरू कर देना है। मैं कहती अगर घर पे बरकत नहीं हो पा रही, पैसा आता है लेकिन जुड़ नहीं पाता, कहते ना कई बार लोगों की नीड्स ही नहीं पूरी हो पा रही, तो पाशा लोगों वास्तु के हिसाब से इतना जबरदस्त उपाय बताने जा रही हूं, आप मुझे क्या याद रखोगे। और एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, इस चीज का कहते ना इफेक्ट जो है आपको तुरंत पता चलेगा, इतना मेरे को पक्का विश्वास है। अब सबसे पहली चीज क्या है, हमने इसके लिए क्या लानी है, एक हमने गुल्लक लानी है, हैप्पी, एक हमने गुल्लक, वो खचखच करे जा रहा है ना ऐसे करके तो डिस्टर्बेंस आ जाती है, एक हमने गुल्लक लेके आनी है। कौन से कलर की लानी है, पीले रंग की गुल्लक लेके आनी है ना। इसको आज ले आओ, कल ले आओ, आपके पास तो अभी टाइम है, हमने धनतेरस से शुरू करना है और इसको पांच दिन तक भाई दूज तक करते जाना है। बड़ी इजी सा है, बड़ा अच्छे से समझ के चलोगे तो बेटर रहेगा, है ना। इसके बाद और भी कुछ कुछ चीजें बताऊंगी जो आप लोगों ने कमेंट करके पूछा था, इस वीडियो में मैं वो भी चीज कवरअप कर लूंगी, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं। अब ये जो पीली गुल्लक होगी, अगर पीली गुल्लक नहीं मिल रही कोई बात नहीं, आप इसको पीला पेंट कर दो वो भी चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपने क्या करना है, धनतेरस वाले दिन इसको आपने अपने मंदिर में स्थापित कर देना है, ठीक है। अब इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए, धनतेरस से शुरू होकर पांच दिन कंटिन्यूटी में, अब जो आपने करना है मैं आपको वो बता रही हूं, आपने ना पांच 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 के सिक्के पांच ले लेने हैं, जो गोल्डन कलर वाले आते हैं, 10 रुपए वाला भी आई थिंक गोल्डन कलर का आने लग गया है ना, आप देख लेना कोई ऐसी दिखे, वो जो पीले रंग का होता है वो वाला सिक्का, 5 रुपए का भी वो गोल्डन वाला आता है, तो वो आपने लेके आना है, और एक 1 रुपए का सिक्का। अब जो ये जो सिक्के वो तो हमने धनतेरस वाले दिन हमने अपने मंदिर में स्थापित कर ही देनी है, वो जो हम लोग गुल्लक लेंगे, है ना। अब ये जो 5-6 सिक्के हैं, एक तो 5-5 के 5 हो गए और एक 1 रुपए का सिक्का, इसके ऊपर हल्दी, केसर और अक्षत जो होता है उसका आपने तिलक लगा के इसका जप करना है, इसको अभिमंत्रित करना है। कितने दिन, 5 दिन, कितनी बार, 11 माला, किस मंत्र से, ओम श्रीम श्रीय नमः, ओम श्रीम श्रीय नमः इससे कर लो, या श्रीम 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 इससे कर लो, है ना। इसको 5 दिन तक कंटिन्यूटी में आपने करना है। अब आपने क्या करना है, 5 दिन के बाद में ये जो सिक्के होंगे ये आपने अपने गुल्लक में डाल देना है और इसको अपने वेस्ट डायरेक्शन में रख दोगे। मैं कहती जिनके घरों में बरकतें नहीं हो पा रही हैं, है ना, जो इच्छाएं चाहते हैं पर वो इच्छा पूर्ति हो ही नहीं पा रही, मतलब पैसा आता है लेकिन नुकसानों में चला जाता है, जितना एफर्ट कर रहे हो उस हिसाब से रिजल्ट अगर नहीं मिल पा रहा, मैं कहती देखो तो सही। ये आपने वो जो सिक्के होंगे 5 दिन के बाद में ये सिक्के इसके अंदर रखकर अपने घर के वेस्ट एरिया में, वेस्ट जोन में रख दोगे। मैं कहती डिग्री मैं इसके ऊपर लिख दूंगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ी मेरे को कंफ्यूजन है डिग्री वाली, तो वो एक बार मैं कंपस में देखकर आपको विद डिग्रीज भी बता दूंगी। अब आपने क्या करना है, हर रोज अपने हिसाब से 1 रुपए डाल दो, 10 रुपए डाल दो, नोट डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरे पाशा लोग पूछेंगे जी ये जी गुल्लक भर जाएगी तो अब हम क्या करें, फिर इसको किसी भी थर्सडे या फ्राइडे से सेम प्रोसीजर करके, और जो जैसे पुरानी भर जाती है अब बोलेंगे जी इसका हम क्या करें, इसमें से जो धन होगा कुछ भी अपने घर के लिए कोई चीज ले, और उसका जो 10% होगा किसी जरूरतमंद के लिए कुछ कर दो, बरकतें बढ़ती चली जाएंगी, बरकतें बढ़ती चली जाएंगी पाशा लोगों, देखते जाना अब कमाल दमाल।
एक और चीज बताती हूँ, उनका नाम मेरे को भी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने पूछा था हमने घर पे लाइटें लगानी है, कौन से कलर की, वास्तु के हिसाब से कौन से कलर की लाइटें लगाएं। मैं आपको वो भी बता देती हूँ, है ना। हर कहते हैं ना, एक टेबल इधर की इधर अगर रख दो, वो जो लॉसेज में जा रहा था वो बरकतें होनी शुरू हो जाती हैं। और मैंने तो कितने एग्जाम्पल्स दिए, वास्तु मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस पाशा लोगों। दिस इज अ स्टडी एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल स्टडी। मैं आपके हालात से आपका वास्तु बता सकती हूँ, आपके वास्तु से आपका हालात बता सकती हूँ, इतना स्टडी में दम है। समझे मेरी बात को। तो अब हम पहले शुरू करते हैं ईस्ट से। ईस्ट में कौन से कलर की लाइट्स लगा सकते हैं? ईस्ट में ग्रीन कलर की लाइटें लगा सकते हो, है ना। ग्रीन और रेड कलर की भी लाइटों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी ईस्ट में चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम आते हैं साउथ पे, साउथ ईस्ट पे। यहां पर भी रेड और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। वैसे तो मैं प्रेफर करती हूं कि मतलब जैसे ऑफ वाइट, जैसे ये अब ये साउथ ईस्ट का एरिया है ना, तो मैंने इसमें ऑफ वाइट कलर का, ये सारी ऑफ वाइट है, इसमें पता नहीं क्या ही दिखाई दे रही है, पर ये ऑफ वाइट है। तो मतलब कहते हैं ना, साउथ में, साउथ ईस्ट में ऑफ वाइट कलर, रेड कलर का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम आते हैं साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में येल्लो कलर की लाइट्स लगा सकते हो, ऑफ वाइट कलर की येल्लो कलर की लाइट्स लगा सकते हो, लेकिन भूल कर भी हरी कलर की लाइटें पाशा लोगों ने नहीं लगानी। कितना एक तो ये रेमेडी होती है, जिनका साउथ में टॉयलेट होता है या पानी का स्तोत्र होता है उनको मैं क्या बोलती हूँ कि साउथ में मान लो अगर पानी का स्तोत्र है या टॉयलेट आ गया, क्या बोलती हूँ, 24 घंटे लाल कलर का बल्ब जलता रहे, है ना। तो लाइटों का इसका मतलब इफेक्ट होता है ना, जो उसका जो एलिमेंट होता है वो जो नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है उसको हम लोग कहते हैं ना रेक्टिफाई करते हैं विद द लाइट्स। तो ये भी तो मैटर करती है, ये कैसे मैटर नहीं करेगी, सीधी सी बात है ना। एक तो ये चीज हो गई। वेस्ट डायरेक्शन में भी ब्लू कलर की लगा सकते हो, ऑफ येलो कलर की लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वेस्ट एरिया में, साउथ वेस्ट से वेस्ट एरिया में भूल कर भी ग्रीन लाइटें नहीं लगानी। ध्यान से चलो ना पाशा लोगों, जब पता है ये चीजों का कितना फर्क पड़ता है तो अपन ध्यान से क्यों ना चले। और अगर गलती से लगा दी कोई बात नहीं, उतार दो, हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारी खुशियां हैं, वो थोड़ा सा अगर लाइट है किधर की उधर कर देंगे तो कोई इसमें हर्ज वाली बात तो नहीं है, है ना। अब हम आते हैं वेस्ट डायरेक्शन में। मैंने बता दी नीली कलर की हो सकती है, येलो कलर की हो सकती है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। नॉर्थ में कौन सी, व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन लगा दो, व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन लगा दो, कितना जबरदस्त रहेगा पाशा लोगों। एक और चीज आपको बताऊं, एक तो ये लाइटों का मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज गड़बड़ कर दी है तो उस चीज को चेंज कर लो। मैंने ना आपको एक चीज बतानी थी, किन्होंने मेरे को बोला कि हमारा मंदिर साउथ वेस्ट में है। मंदिर साउथ वेस्ट में कैसे हो सकता है ना पाशा लोगों, ये जो होता है पितरों का एरिया होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में या कहीं पर भी, जैसे जो हमारे साथ हमारे एंसेस्टर्स के, जैसे कहते हैं ना जो अब इस अर्थ प्लेनेट में फिजिकल फॉर्म में नहीं रहे हैं, उनकी हम लोग कहीं पर भी पिक्चर्स नहीं लगा सकते। वो जो होगा वो साउथ, जो भी पितरों की फोटो होती है वो साउथ वेस्ट में आप लगाओगे। और मंदिर भूल कर भी साउथ वेस्ट में नहीं, क्यों, क्योंकि वो पितरों का एरिया है। अब कहने को तो हम तो भगवान को का स्थान बनाया है, ऐसे तो पाखंड की दुकान है, इसमें भी बोलेंगे अरे अरे ऐसा क्या हो गया, वैसा हो गया ना, हो गया। जैसे मैं बोलती हूँ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं आ सकता, वो जो है वास्तु पुरुष का सर माना गया है, वो होता है देव का स्थान, भगवान का स्थान, भगवान को टॉयलेट में थोड़ा डाल दोगे। समझे मेरी बात को, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। कितने लोग तीन तीन चार चार पांच पांच गणपति जी रख देते हैं, बहुत गलत है। और मैं चाहती हूं आप, हमें नहीं पता चल रहा होता कि हम कहां गड़बड़ कर रहे हैं। बात खत्म हो गई, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, ये 5 दिन आपने क्या करना है, आपने खीर जो होती है अक्षत की खीर आपने जरूर बनानी, माँ को आपने चढ़ानी, उसके साथ मिश्री डालकर जिन लोगों को भी। और ये खीर किसकी होनी चाहिए, पीले
पीली खीर जो होती है, पीले रंग के चावल या पीले रंग की खीर जो होती है, उसमें थोड़ा सा हल्दी और केसर डाल के, जिससे क्या मजबूत होएगा, जिससे बृहस्पति भी मजबूत होएगा, जिससे शुक्र भी मजबूत होगा, जिससे चंद्र भी मजबूत होगा। सही बात है। एक तो ये चीज भोग लगाकर वहां पर कहते ना ओम श्रीम श्रिय नमः, ओम श्रीम श्रिय नमः, इस चीज का जप जप जप। अब कितने लोग बोलेंगे जी वो जो गुल्लक वाला आपने बताया है, हम तो सिख धर्म फॉलो करते, कोई बात नहीं, परमात्मा तो वो तो जो सुप्रीम पावर है वो तो एक ही है ना, अपना जो वो है कोई बात नहीं। पांच दिन तक गुरु 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 वाहे गुरु, गुरु 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 वाहे गुरु। एक तो ये चीज करो। जो मैं कहती इस्लाम धर्म फॉलो कर रहे हैं वो भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, सूरे फातिया पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु वइय्याका मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना ग़ैरिल मग़ज़ूबी वल्लज़ीन आमीन, ये पढ़ लो। अब कई लोग बोलते हैं तुम लोगों को मुस्लिम बना रही हो, तुम लोगों को हिंदू बना रही हो, पता नहीं क्या ही क्या यार क्या। इस चीज का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मुझे नहीं पता, मैंने सारी चीजें पढ़ाई करी है, और ये नहीं कि मेरे को पता था मैं इस स्पिरिचुअलिटी में आऊंगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शायद मेरा जो सोल है वो इधर उधर मतलब कहते ना इट्स ब्यूटिफुल, ये जो चीजें हैं, ये जो एक वो है वो मुझे बहुत स्ट्रेंथन करती है, मुझे बहुत प्रोटेक्टेड रखती है ना। इसमें कोई ये नाम वो नाम वो नाम कुछ नहीं, आसपास सबके सबके अंदर वो सिद्धियां हैं, सब ही उस परमात्मा की आत्मा है। आप लोग समझते क्यों नहीं। अब ये दिवाली आएगी, दिवाली पे ये लोग पाखंड की दुकानें बोलेंगे तुम पे कुछ कर करा दिया, तुम्हारे ये हो गया 2.5 लाख पूजा, 2 लाख पूजा, 50,000 पूजा, राहु शांति, ये शांति, वो शांति, भटक रहे हो आप तो। क्या मिलेगा, चैलेंज मार के बोल रही हूं, अपना काम बनाकर तो दिखा देना, ये ले लो वो ले लो, ऑयल ले लो हमसे, ये ले लो वो ले लो, अब पोटली ले लो, पैसा जाए जा रहा है, जाए जा रहा है। हाथ में कुछ आया अभी तक, कुछ हाथ में आया, जितने लोगों मुझे बता दो, जहां भटके जो भटके जो पूजाएं कराई क्या हुआ, अपने अंदर क्यों नहीं, उस वो जो है उनको खुद बुलाओ ना, बात सुनेंगे, नहीं तो भटकते रह जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, पाशा लोगों ध्यान रखा करो अपना, और भी चीजें बताऊंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। ओके देन, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोर दो, विजय को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो, सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।